काफ़ी मरीजों को ये कन्फ्यूजन होता है कि स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाएं या न्यूरोसर्जन को। तो इसका जवाब बड़ा सिंपल है, ऑर्थोपेडिक सर्जन या न्यूरोसर्जन दोनों ही लोग ओपीडी कंसल्टेशंस स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए, जैसे कमर दर्द के लिए या गर्दन दर्द के लिए करते हैं। उसमें से कुछ न्यूरोसर्जन्स या कुछ ऑर्थोपेडिक सर्जन्स होते हैं जो स्पाइन की स्पेशल ट्रेनिंग लेते हैं, जिसको कि हम फेलोशिप कह सकते हैं या फिर सुपर स्पेशलाइजेशन कह सकते हैं। इस तरह की जब वो ट्रेनिंग लेते हैं तो वो सर्टिफाइड स्पाइन सर्जन्स बनते हैं। तो जो सर्जरी वाला पार्ट है वो सारे ऑर्थोपेडिक सर्जन भी नहीं करते और सारे न्यूरोसर्जन भी नहीं करते, लेकिन जो इस फील्ड में स्पेशलाइज कर जाता है और जो इस फील्ड की प्रैक्टिस करने लगता है, दे आर नोन एज स्पाइन सर्जन्स। तो इसी तरह अगर आपको कोई भी स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे आपको कमर दर्द है या सर्वाइकल की प्रॉब्लम है या फिर आपको जैसे स्पाइन की सर्जरी करानी है, तो आप ये देखिए कि वो ऑर्थोपेडिक सर्जन या वो न्यूरोसर्जन क्या इसकी प्रैक्टिस करता है, क्या वो एक प्रैक्टिसिंग स्पाइन सर्जन है। और अगर वो एक प्रैक्टिसिंग स्पाइन सर्जन है तो आप उसको बिल्कुल दिखा सकते हैं और उनसे एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हैं। थैंक यू।